The Assam Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma, addressed mega rallies in poll-bound Gujarat today. While addressing a mega rally in Adipur, the Assam Chief Minister launched a massive attack on the Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party, which is looking to make inroads in Gujarat. Well, Sarma said that instead of trying to win Gujarat, the AAP should focus on the law and order situation in Punjab. अभी यहाँ एक पार्टी आए हैं आप पार्टी आप हो खास हो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन उनका एक लीडर है भाई अमानुल्ला ये अमानुल्ला ने सीए का समय दिल्ली में जो संतरास किया आप समझ नहीं सकता है दिल्ली में कितना दंगा फसाद करवाया लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनको दोबारा टिकट दे दिया अभी एक मंत्री है उनका कैबिनेट में अभी विधायक है उनको लीडर भी बनाया कि देश में हिंदू धर्म खत्म कर देना चाहिए अरे बाबा हिंदू धर्म तुमने जन्म दिया था क्या तुम खत्म करेगा 5000 साल से हिंदू है जब तक संघर्ष सूरज रहेगा तब तक हिंदू रहेगा तुम कुछ नहीं कर सकते हो और अभी केजरीवाल जी बोलता है कि नहीं नहीं गुजरात का परिवर्तन होना है क्या गुजरात का तुम परिवर्तन करेगा आज आप देखिए ये आपका पंजाब में सरकार बना आज हर दिन आप पंजाब का स्टोरी देखिए सामने आके लोग दूसरे को फायरिंग करता है सामने आके आप जैसे सिनेमा बनता है फिल्म बनता है पंजाब का फायरिंग का आजकल एकदम आप खाली टीवी खोल दीजिए कोई ना कोई आपको वीडियो मिल जाएगा कि फायरिंग शुरू हो गया आप कैसे फायर कर सकते हैं कोई तो बीजेपी का सरकार में तो नहीं हो सकता है हमारा वहां में भी एक्सट्रीमिज्म था लेकिन हम तो अभी कोई किसी का हिम्मत ही नहीं है कि कोई बम बकान करे फायरिंग करे वो दिन चला गया लेकिन देश में अभी जब से पंजाब में आपका सरकार आया फिर पंजाब गिरने लगा आज लोग संदेह करता है पंजाब का भविष्य क्या होगा किस लिए चुनाव का समय आप किससे सपोर्ट लिया वही लोग से सपोर्ट लिया जो भारत को तोड़ने चाहते हैं जब चुनाव का समय आप ऐसा किया तो बाद में तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और आज जो पंजाब का मुख्यमंत्री आके गुजरात में भाषण देता है मैं तो इतना बोलता हूं कम से कम आप पंजाब में रहिए और पंजाब में आप अलगाववादी से लड़िए नहीं तो आपका भी Well, meanwhile, launching an attack on the Congress, Sarma said that the party deprived Gujarat's son Sardar Vallabhbhai Patel, who should have become India's first Prime Minister. देश का प्रधानमंत्री पटेल क्यों नहीं हुआ नेहरू क्यों हुआ किसलिए देश का साथ वो गद्दार हुआ था देश का साथ वो अन्याय हुआ था जो व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिए था वो देश का प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बना अगर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनता था ये देश का सेहरा एकदम अलग हो जाता था आज आप देखिए कांग्रेस ने वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब दिया 1990 तक जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कि 1947 से 1990 तक आपने सरदार को क्यों भारत रत्न नहीं दिया बाद में आके उन्होंने 1990 में भारत रत्न दिया डीआर अंबेडकर को उसी समय दिया लेकिन 1947 से इतना साल तक ये दोनों नेताओं का कभी सम्मान नहीं हुआ आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो केवड़िया में जो वल्लभ भाई पटेल का जो प्रतिमा बनाया देश का कोने कोने का लोग जानते हैं सब लोग आते हैं मोदी जी का ये जो प्रतिमा है पटेल जी का नाम में पटेल जी का प्रतिमा है सब नमन करने आते Now, drawing a comparison between Jawaharlal Nehru and Narendra Modi, the Assam Chief Minister said that while Nehru gave up on the Northeast during 1962 China War, Prime Minister Modi has built roads up till the China border. Assam tak Chinese army pahunch gaya aur hamara Pradhanmantri Nehru ji ne radio mein bhashan diya बाय बाय असम फिर मिलेगा कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना का सीमा तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो चाइना का जो है उससे हमारा 1% ज्यादा होगा कम नहीं होगा आज तवांग तक रेल सेवा हो गया है अभी पूरा काम चल रहा है
बहुत बड़ा बड़ा हाईवे हो रहा है। आज आप भारत का कोई भी सेना को आप पूछिए कि अभी हमारा मन में कोई डर नहीं है। 2016 तक उत्तर पूर्व का कोई स्टेट का कैपिटल तक राजधानी नहीं चलता था, इसलिए वो सिंगल गज था, मीटर गज था, ब्रॉड गज नहीं था, हाईवे ना के बराबर था, विमान सेवा का तो बात ही मत कीजिए, खाली गुवाहाटी तक था। लेकिन आज जो उत्तर पूर्व का जो विकास हुआ, रास्ता बना, पुल बना, रेल लाइन हो गया, सारे ब्रॉडगेज हो गया, एयरपोर्ट बना, तो आज पूरा कंट्री को एक बहुत बड़ा ताकत मिली। आज कश्मीर में जाइए, जैसा परिवर्तन हो रहा है, अभी हमारा देश को और कोई तोड़ नहीं सकता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा भारत को निर्माण किया, वो भारत को अभी कोई कंट्री कोई देश आंख मिला के नहीं देख सकता है, भारत के लिए सबका सम्मान है अभी। And meanwhile, speaking to media persons after the rally, the Assam Chief Minister said that the BJP will secure its biggest victory since 2001 in Gujarat this time. अभी लास्ट मेरा मन है जो मैं यहाँ आके जो माहौल में देखा हूँ, 2001 का बाद सबसे बड़ा मेजोरिटी लेके इस समय जीतेगा भारतीय जनता पार्टी। अगर 5-10 सीट शॉर्ट होता है तो किससे समर्थन लेगा? शॉर्ट मतलब कुल वोट से शॉर्ट हो सकता है, मतलब आप हो सकता है हम 150 मिले वही 5 शॉर्ट हो जाएगा, बाकी कोई शॉर्ट नहीं होगा। Chief Minister Sharma also said that the Aam Aadmi Party should focus on the state of affairs in Punjab instead of trying to make inroads in Gujarat. Aam Aadmi Party to freebies de raha hai, kya freebie de raha hai? Punjab mein guli de raha hai, bomb de raha hai, wahi freebie de raha hai aur unka identity abhi wahi hai. Mera to unko itna hi advice hai, abhi aap log Gujarat choriye, Punjab jaiye, desh ko sambhaliye. ये आप राजनीति जो कर रहे हैं उससे देश का बहुत महंगा हो जाएगा, देश को बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ से जाइए, पंजाब कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए। गुजरात में तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है, गुजरात का लोगों का तो मोहल्ला क्लिनिक के कोई शौक नहीं है, तो इसीलिए मेरा मन में कोई डाउट नहीं है कि जो गुजरात अभी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल देख रहा है वो गुजरात को मोहल्ला क्लिनिक तक ले जाना चाहेगा, तो इसीलिए वो क्या सीट। Well, Dr. Himanta Biswa Sharma also took strong exception to the Congress leader Rahul Gandhi's remarks on Savarkar. Sharma also said that Rahul Gandhi liked playing from the dressing room instead of the crease as he was not seen in Gujarat this poll season. Rahul Gandhi ne Veer Savarkar ka bare mein jo sab ka prayog kiya, unhone bahut bada paap kiya hai aur wo paap ke liye unko bhugatna padega. गुजरात में चुनाव है, अभी तो राहुल गांधी लास्ट टाइम चुनाव में गुजरात में दिखाई देता था, अभी तो उनको दिखाई भी नहीं देता है। चुनाव हिमाचल में है, चुनाव गुजरात में है और वो भारत जोड़ो यात्रा साउथ में कर रहा है, मतलब उनको क्रीज में आके बैटिंग करने का हिम्मत नहीं है, उनको खाली ड्रेसिंग रूम में रहना पसंद होता है।